इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर टिपू सुल्तान। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रियासत कर्नाटक में कई सारे मसाइल हैं। किसान हर रोज़ खुदकशी कर रहे हैं, महंगाई आसमान छूती नजर आई। इसके बावजूद भी हमारे पास अगर कोई मौजू है इस मुल्क में, इस देश में, तो सिवाय हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, तीन तलाक, बीफ, मॉब लिंचिंग, आतंकवाद के सिवा क्या है इस देश में? एशिया का सबसे बड़ा जिस्म फरोशी का बाजार सोना गट्टी कमाटीपुरा हो, जहां वृंदावन में हजारों बुजुर्ग बेवा औरतें भीख मांग कर गुजारा करती हो, मुल्क में हजारों बुढ़ापा घरों में औरतें भरी पड़ी हो, ऐसे कई लोग हैं जो माओं को बुढ़ापा घर में रख कर जो गो माताओं के लिए इंसानों की जान लेते हैं, जहां हर घंटे 22 महिलाओं पर बलात्कार यानी कि अस्मत रेजी होती हो, सुबह शाम तीन तलाक पर बहस होती हो और बिल पास किए जाते हो, यह वो देश है जहां महात्मा गांधी को देश विरोधी और बापू के कातिल नथुराम गोडसे राष्ट्रभक्त साबित करने की कोशिश की जाती है। यह वह देश है जहाँ अंग्रेजों की गुलामी और चापलूसी करने वाले देशभक्त ठहराए जाते हों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद होने वाले टीपू सुल्तान को गद्दार कहा जाता हो। पिछले चार सालों से रियासत कर्नाटक की जानिब से टीपू सुल्तान जयंती सरकारी तौर पर मनाया जाता रहा, पर संघी भगवा ब्रिगेड 10 नवंबर के आसपास टीपू सुल्तान पर कीचड़ उछालने की बिल्कुल तहरीक चलाते रहते हैं। कर्नाटक में एक बार फिर भाजपा की हुकूमत इख्तदार पसीर हुई है और कुछ ही घंटे हुए हैं, इन्हें तमाम मसाइल से बढ़कर टीपू सुल्तान का ही मसला अहम लग रहा है। लिहाजा वजीर आला येडियुरप्पा ने आज ऐलान करते हुए कहा कि अब कर्नाटक में टीपू जयंती नहीं मनाई जाएगी। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह देश के वह वाहिद ऐसे शहंशाह है जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई। यह वो बादशाह है जिसने दुनिया को जदीद मिसाइल की टेक्नोलॉजी अता फरमाई। टीपू शहीद उस शख्स का नाम है जिसने भारत के गुलामों को आजादी का सबक सिखाया। जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को शहीद पाया तो बेख्तियार चीख उठे कि अब हमें कोई भारत पर हुकूमत करने से रोक नहीं सकता। अंग्रेजों को टीपू सुल्तान से इस कदर डर था कि आज भी टीपू शहीद के नाम से खौफजदा हो जाते हैं, पर अफसोस कि भारत में ही इन्हें भला बुरा कहने वाले लोग ही ना सिर्फ की तादाद बढ़ रही है बल्कि इख्तदार में भी आ चुके हैं। कर्नाटक के वजीर अनंत कुमार ने टीपू सुल्तान को बलात्कारी, दुष्ट और कट्टरपंथी कहा। इसका कहना है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का कत्ल किया है। कुछ फिरका परस्त सोच के लोग यह कहते हैं कि टीपू शिद्दत पसंद थे जिसने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि इन्होंने कन्नड़ जबान पर फारसी को बढ़ावा, जो खतूत लिखे गए वह कन्नड़ जबान में ही थे। संघ के ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टीपू सुल्तान की जमकर तारीफ फरमाई और कहा कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए एक नायक यानी कि कायद की मौत पर शहीद हुए। उन्होंने रॉकेट की इजाद फरमाई और दौरान जंग इसे इस्तेमाल किया। लेकिन इस पर भी एतराज करते हुए भाजपा ने कहा कि यह बयान उनका जाती था। यहां पर भी आपको भाजपा का दोगला रवैया नजर आएगा। सन 2010 में चुनाव के ठीक पहले भाजपा कायद और मौजूदा वजीर आला बीएस येडियुरप्पा ने टीपू सुल्तान की पगड़ी पहनकर तलवार हाथ में लेकर तस्वीरें खिंचाई थी। सन 1970 के दशक में आरएसएस ने अपनी भारतीय श्रृंखला के तहत शाया एक किताबचे में टीपू की तारीफ करते हुए देशभक्त बताया था। कन्नड़ अदाकार गिरीश कर्नाड टीपू सुल्तान से इतनी जबरदस्त मोहब्बत करते थे कि उन्होंने यह मांग की कि बेंगलुरु के हवाई अड्डे का नाम टीपू के नाम पर रखा जाना चाहिए। कर्नाड का यह भी कहना था कि अगर टीपू सुल्तान हिंदू होते तो उन्हें कर्नाटक में वही दर्जा, वही मर्तबा हासिल होता जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को हासिल है। शहीद आजम टीपू सुल्तान का कहना यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कयाम नुकसानदेह और नागवार है जिससे भारत को खतरा है। अपनी इसी सोच के चलते उन्होंने अंग्रेजों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी। सन 1799 के चौथे अंग्रेज मैसूर युद्ध में वो शेरों की तरह लड़ते लड़ते शहीद हो गए। कर्नाटक की सरजमीन इस शहीद के लहू के कतरों को अपने अंदर जज्ब कर चुकी है और उनकी यादों को मिटाना भगवाधारियों के बस की बात नहीं। वाज़ रहे कि टीपू सुल्तान की सल्तनत खुदादाद में रियासती तौर पर कन्नड़
ही इस्तेमाल होती थी, पर फारसी ना सिर्फ टीपू सुल्तान की सल्तनत में इस्तेमाल होता था बल्कि भारत के मुख्तलिफ राज दरबारों में इसी जबान का इस्तेमाल होता था। हत्ता कि शिवाजी महाराज के दरबार में भी फारसी का इस्तेमाल कसरत से किया जाता था। उन्होंने मौलाना हैदर अली को अपना सेक्रेटरी मुंतखब किया था। टीपू सुल्तान शिद्दत पसंद नहीं थे पर उसूलों के पाबंद थे, जैसा कि आज उनकी सीरत को मस्क करके जालिम बादशाह के तौर पर पेश किया जा रहा है। तारीख को बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाली नस्ल भी टीपू सुल्तान को भी हिंदू विरोधी समझने लगे। कामकोटी पीठम के शंकराचार्य को लिखे अपने खत में उन्होंने शंकराचार्य को जगत गुरु के लकब से नवाजा था। उन्होंने कामकोटी पीठम को ढेर सारी धन दौलत भी भारत में दी थी। पटवर्धन के मराठा सेना द्वारा श्रृंगेरी मठ में लूटपाट किए जाने के बाद टीपू सुल्तान ने इस मठ का पुराना जो वैभव था, जो खूबसूरती थी, उसे फिर से बहाल की। शहनशाह टीपू सुल्तान ने 10 दिन का दशहरा मनाने का भी शुरू किया। सल्तनत खुदादात में सरफराज शेख ने टीपू का ऐलाननामा शाया किया है। इस ऐलाननामा में लिखा है कि टीपू ने कभी मजहब की बुनियाद पर नफरत और इख्तलाफ को बढ़ावा नहीं दिया और इसी की बुनियाद पर हुकूमत चलाते रहे। जाहिर है इसी ऐलाननामे के तहत हमें समझना चाहिए कि टीपू किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं थे। वैसे भी टीपू सुल्तान की हुकूमत दूर दराज तक फैली हुई थी। जब अंग्रेजों को टीपू सुल्तान शहीद अपनी बहादुरी से पानी पिला सकते थे तो किसी दूसरे लोगों को शिकस्त देना क्या मुश्किल था। तभी तो पुरनैया को अहम ओहदे पर बिठाया था, जबकि पुरनैया कट्टर ब्राह्मीन था। भारत में जिस कदर नफरत का बीज बोया जा रहा है और उस बादशाह को लेकर भी गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसने अपने बच्चों को किसी देश की आज़ादी की खातिर अंग्रेजों से रिहा करने की खातिर अंग्रेजों के पास गिरवी रखा था, अपने जान को तक अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बाजी लगाई और शहीद हुए, जिस जमीन पर उनके खून के कतरे गिरे हैं आज उसी के बाशिंदे उन्हें गद्दार ठहराने पर तुले हैं। चारों तरफ से इनकी तारीख को मिटाने की कोशिश की जा रही है। शहीद टीपू सुल्तान के किलों की हालत भी बिल्कुल खस्ता है, जिन्होंने अंग्रेजों को माफीनामा लिख कर दिया, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की, आज वही इस भारत का मुकद्दर लिखने के लिए इख्तदार पर बैठे हैं। सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर टीपू से नफरत की जा रही है और दूसरी तरफ मुसलमानों को भी टीपू की तारीख का पता नहीं है, क्योंकि हमारे भी लोग, हमारे भी कायद आज टीपू सुल्तान की तारीख अपनी नस्लों में मुंतखब करने में मुलतवी करने से कासिर हैं। जिस ख्वाब को टीपू सुल्तान ने संजोया था, मौजूदा हुकूमतों को टीपू से नफरत नाकाबिले बर्दाश्त है। झूठी तारीख को रकम करके आने वाली नस्ल को टीपू सुल्तान को देश विरोधी बनाने की साजिश, सख्त अल्फाज में उसकी मुखालिफत होनी चाहिए। इस पर एक शायर ने क्या खूब कहा, अब तेरे ख्वाब को कोई ताबीर ना देगा ऐ टीपू, तेरे चाहने वाले सभी तय खाक्स हो गए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।